अस्सलामु अलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बायोलॉजी एंड इट्स डिविएंस। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी। इसमें हम ये भी बताते चले जाते हैं कि जो हमारे मतलब साइंस जो थी उसको फर्दर हमने टू टाइप्स ऑफ साइंसेस में डिवाइड किया था। एक थी फिजिकल साइंसेस और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस क्या थी, लिविंग थिंग्स की स्टडी, और जो फिजिकल साइंसेस क्या थी, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी। तो अब बायोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। वर्ड बायोलॉजी है ये टू वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट एंड रीजनिंग। मतलब बायो का मीन में आ गया लाइफ, जिंदगी, लिविंग थिंग्स, और लोगोस में क्या होता है, थॉट और रीजनिंग। मतलब हमने उसकी स्टडी करनी है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। मतलब इंसान ने कैसे लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया है, उसको मतलब उनको किन परस्पेक्टिव में उसको स्टडी कर रहा है, उसके बारे में उसकी थिंकिंग क्या है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरमेंट एटसेट्रा। जो लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब अब उस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो भी लिविंग थिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको उनकी स्टडी करने से हमें हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें ये आ गया, लिविंग थिंग्स की स्टडी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और रेमेडीज वेज हमें प्रोवाइड करती है, मेथड्स वगैरह, कि हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फूड की प्रॉब्लम आ सकती हैं, इन्वायरमेंट से उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है ये। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स के जो हैं काफ़ी एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रही है, उनके हर पहलू में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आ जाती है डिविजंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिविजंस 3 मेजर डिविजंस हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। इनमें हम देखेंगे कि जूलॉजी है ये किस चीज़ की स्टडी है। द डिविजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जूलॉजी। जूलॉजी जू लव से निकला है, लॉगी और लोगोस जैसे था, और जू, जू जो है ये मतलब जैसे वो होता है चिड़ियाघर वगैरह हम कहते हैं, मतलब एनिमल्स के रिलेटेड ये वर्ड है। तो इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स का अब हमने स्टडी करना है, उनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, उनके फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब वो किन किन, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब एनिमल्स के रिलेटेड, हम इन सारी चीज़ों को जूलॉजी में स्टडी करेंगे। The three main branches of zoology are morphology, genomics, ecology. The father of zoology is Aristotle. Aristotle ने मतलब zoology के ज़्यादा studies को उन्होंने मतलब ज़्यादा study उन्होंने सारे मतलब animals वगैरह को, इनके behavior, इनकी structure, इनके classification, distribution, इन चीज़ों को study किया और zoology की basis बनाई। तो इसलिए हम उनको zoology के father, यानी हम अरस्तु जो थे उनको zoology के बानी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बॉटनी। बॉटनी में अब क्या होगा, बॉटनी अब किस चीज़ की है, तो ये मतलब बायोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। अब हमने इसमें प्लांट्स की स्टडी करनी है, मतलब उनको हर पहलू से, उनको हर एस्पेक्ट से देखने, उनकी फिजियोलॉजी देखनी है, उनकी स्ट्रक्चर्स देखनी है, उनके जेनेटिक्स देखनी है, उनकी इकोलॉजी देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, किन किन एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, उनकी क्लाइमेट से डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है और उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है, उनके किंगडम्स वगैरह को स्टडी करना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखनी है। मतलब हमारी जो बेस मेनली ये थिंग आ जाती है कि वो हमारे जो इकोनॉमिकल मुआशी उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आ जाता है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स एनाटॉमी एंड प्लांट्स फिजियोलॉजी। प्लांट्स एनाटॉमी और प्लांट्स फिजियोलॉजी दो ये स्टडीज़ हैं बॉटनी में। एनाटॉमी क्या होती है, इंटरनल स्टडी। मतलब अब एक जैसे होते हैं, अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं तो एक उसकी इंटरनल होगी, एक उसकी
एक्सटर्नल सरफेस स्टडी होगी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं उसके टेक्सचर की, स्ट्रक्चर की, आउटसाइड स्ट्रक्चर की कर रहे हैं। लेकिन एनाटॉमी क्या होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी। नेक्स्ट आ जाता है, इट आल्सो इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज एंड इंट्रैक्शंस विद एनवायरनमेंट। इसमें हम प्लांट्स की डिजीजेज वगैरह को स्टडी करेंगे और उनके एनवायरनमेंट के साथ प्लांट्स की इंट्रैक्शंस को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम नेम से श्योर है, माइक्रो मतलब स्मॉल थिंग्स, बायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट इज विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एटसेट्रा। मतलब हमने अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नहीं नज़र आते, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी हम स्टडी करेंगे। उसमें एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया वगैरह की, वायरसेस की आ जाती है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज बींग यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और ए सेलुलर। वो कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ए सेलुलर भी होते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू द विजिबल विद द नेकेड आई। मतलब ये उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो हमें अपनी मतलब आम आंख से नज़र नहीं आ सकते। दोज इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्चिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्जी, कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स। ये सारे जो हैं चीज़ें, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनको हम माइक्रोब्स, कलेक्टिवली हम इनको माइक्रोब्स कहते हैं। ये हमने सारी बायोलॉजी और उसकी डिवीजंस की स्टडी की है।